नहाओ कपड़े बदलो, तो एक टी शर्ट पहनी थी उसमें खान साहब की तस्वीर, उसकी दीवान की ये हद थी कि जेब में पैसे हो ना हो, खाना मिले या ना मिले, उसने पीटीआई के हर प्रोग्राम में पीटीआई के हर खान साहब से मिलने के दीवान की भी हद तक शौक था। जब हमारी हुकूमत नहीं आई थी तो एक प्रोग्राम था हमारा, पीसी में था, खान साहब वहाँ थे, तो जिले को सब धक्के दे रहे थे काम के लिए, जलसों में नारों के लिए उसको बुलाते थे, लेकिन जब उसको इज्जत देने की बात आती थी तो उसको धुतकारते थे, उसको एबनॉर्मल कह के धक्के देते थे। वो एबनॉर्मल नहीं था, एबनॉर्मल तुम सब लोगों जो अब जिंदा अपने घरों में सही बैठे हुए हो, जो टीवी में खबरें देख रहे हो, जो शहीद हो गया उनसे पूछो। वो बहुत मासूम था, वो खान का दीवाना था। हमने मैंने खान को रोका, खान साहब से मिलने के लिए उसको कहा, खान साहब उसे मिले, वो तब से इतना खुश था और वो बार बार कहता था मुझे खान साहब से साइन करवाने शर्ट पे। वो एक टी शर्ट पहने हुए था जो आज भी पहनी हुई थी उसने, उस पर असद उमर ने साइन किए और लोगों ने साइन किए, वो कहता था मैंने खान साहब के साइन करवाने, और वो रोज़ाना जा रहा था, रोज़ाना ना उसे खाने का होश था ना पीने का होश था, बहुत मासूम था। क्या बिगाड़ा उसने? अगर तुम लोग खान के इतने दुश्मन हो गए तो फिर आओ ना मुकाबले में, सामने आओ, मासूमों को क्यों मार रहे हो? औरतों पर तेजाब फेंके, मेरी दोस्तों की गाड़ी के ऊपर जो उन्होंने पानी फेंका है, जो स्प्रे किया उसमें तेजाब था, आप मीडिया वाले भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं, उन औरतों के अंदर सांस नहीं आ रहा था। क्या चाह रहे हैं? खाना जंगी चाह रही है? मुल्क पर रहम करो, मासूम लोगों पर रहम करो, पाकिस्तान को करबला ना बनाओ, खुदा के लिए रहम करो। खान साहब आपकी मोहब्बत के हम वारिस थे, हम कुर्बान, लेकिन ऐसे ही नहीं, ऐसे ही नहीं कि हमारे भाई बच्चों को मारा जाए और हम चुप करके बैठे, ऐसे नहीं हो और ना ऐसे होना चाहिए। आप मीडिया वालों के हम शुक्र गुजार हैं, आप लोग हमेशा आवाज़ उठाते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आप इस मजलूम का साथ देंगे। अच्छा, जिले शाह को पुलिस की स्टडी में मारा गया, आज कोई FIR जो है आपकी तरफ से हुई है? जी, मैं सर्विसेज हॉस्पिटल थी और वहाँ से इधर आई हूँ, और अंदर रिपोर्ट में भी क्या लिखा गया है वो मैं नहीं देख पाई हूँ, मैं भी अंदर जाके देखूंगी, फिर मैं मेयो हॉस्पिटल जाऊँगी, वहाँ पर उसकी डेड बॉडी है, और खान साहब की तरफ से चूँकि पर्चे के लिए कहा गया है तो अब वहाँ अंदर क्या मतन है वो मैं अभी जाकर देखूंगी, फिर मैं बताता हूँ। FIR अभी लॉन्च नहीं हुई? जी, FIR की डिटेल्स हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में दे सकती हूँ, अंदर जाके मैं देखूंगी, तो क्योंकि वालिद साहब को लेके गए हमारे टाउन के जो प्रेसिडेंट है वो साथ। तो कल जनाजे का टाइम? जी, वो अभी अभी चूँकि मैं अभी तो पहुँची हूँ वालिद साहब के पास, क्योंकि घर में भी खवातीन और माँ को संभालना बहुत मुश्किल है, उनको सब्र नहीं आ रहा, वालदा को बहुत लाडला बहुत प्यारा भाई है हमारा, बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहे हैं इस वक्त। कितने बहन? ये तीन बहनें और एक। ये अकेला ही था? वाला साहब क्या काम करते हैं? नहीं जी, ये अगर आप ये कहें कि दुनियावी किताबें इसके पास शायद इतनी डिग्रियां नहीं, लेकिन ये दिल देख के फिर काम करता और ये मासूम इंसान, ये मासूम इंसान भाई, उसकी हिस्ट्री पूछ रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि कानूनी डिग्रियां या कोई बहुत दुनियावी डिग्रियां, तो उसके पास जो डिग्री थी वो खान से इश्क था, मुल्क से मोहब्बत थी, पाकिस्तान से जुनून था, और जो खान साहब का विजन था कि नौजवान जवान मुल्क को चलाएंगे, तो उसका ख्याल ये था कि मैं भी मुल्क के लिए कुछ करूँगा, मैं खान का सिपाही हूँ, मैं वो अपने आप को बागी कहता था, हम प्यार से उसे बागी कहते हैं, और मैं आज भी कहती हूँ मेरे बागी तुम्हारा खून रहेगा नहीं जाएगा। बागी था, ओके हो गया, खान का ठीक है, ठीक है, ओके जी, ठीक है ठीक है।